गुड मॉर्निंग बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 12 इन एसएसटी। आज हम एसएसटी के चैप्टर 12 को रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज डेज, वीक्स एंड मंथ। चैप्टर नेम इज डेज, वीक्स एंड मंथ्स। 7 days इन अ वीक। डेज नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे। टू वेडनेसडे, थर्सडे, फॉर मी एंड यू। फ्राइडे, सैटरडे, मेक द एंड कम लेट सीज दोज डेज अगेन। संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सप्ताह के शुरू के दिन हैं। वेडनेसडे, थर्सडे, फॉर मी एंड यू, इसके बाद हमारे बुधवार और बृहस्पतिवार आते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, मेक द एंड शुक्रवार और शनिवार, सप्ताह का अंत करते हैं। यानी कितने दिन हो गए हमारे? 7 दिन। रिपीट अगेन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, कम लेट सी दोज डेज अगेन। इस तरीके से ये दिन एक के बाद एक आते हैं और 7 दिन मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? 1 week यानी एक सप्ताह। देयर आर 7 days इन ऑल। इन सब में कितने दिन हो गए हमारे? 7 दिन। टुगेदर दे मेक अ वीक। ये 7 दिन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सप्ताह, 1 week। डू यू नाउ व्हाट डे इज टुडे? बच्चों आप जानते हैं आज क्या दिन है? आज है वेडनेसडे। क्या है आज? वेडनेसडे। अब देखिए आपके बुक में एक ही एक्टिविटी भी दी है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। कलर द डेज ऑन विच यू गो टू स्कूल। आप जिस दिन भी स्कूल जाते हैं उन सभी दिन को कलर्स कर सकते हैं और जिस दिन नहीं जाते हैं उसको कलर नहीं करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इनमें से हम किस दिन नहीं जाते हैं, किस दिन हॉलीडे होता है? संडे। ओके, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन दिनों को हम कलर करेंगे। ओके, नेक्स्ट डेज नेम के बाद अब हम पढ़ेंगे मंथ्स नेम। आपको हमने बता रखा है कि कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। कितने मंथ होंगे 1 year में? 12 मंथ। ओके, 12 months मेक अप अ ईयर। 12 month यानी 12 महीने मेक अप अ ईयर। 12 महीने मिलकर के एक साल को बनाते हैं। हियर आर देयर नेम्स। चलिए अब हम उनके नाम देखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ हो गए? 12 मंथ। ये 12 मंथ मिलकर के या 12 महीने मिलकर के क्या बनाएंगे? एक साल। क्या बनाएंगे? एक साल, 1 year। इन 12 महीनों को हम एक ईयर ट्री या मंथ ट्री के द्वारा हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए आप अपने बुक में, और इसको चाहे आप कर भी सकते हैं। ओके, ये एक्टिविटी में हम आपको करवाएंगे। ये 12 मंथ दिए हैं जिसका हमने क्या बनाया है? एक ट्री बना दिया है। क्या बनाया है? एक ट्री। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखिए इनको कितने अच्छे से कलर किया है। चाहे हम इसको नोटबुक में बना करके कलर कर सकते हैं या हम कलर पेपर की कटिंग करके इसको नोटबुक में चिपका कर हम एक ईयर ट्री इन 12 मंथ से बना सकते हैं। ओके, अब हमने ये 12 महीने तो पढ़ लिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इन 12 महीनों में किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी डेज डज ईच मंथ हैव। हाउ मैनी डेज डज ईच मंथ हैव यानी हर महीने में कितने दिन होते हैं। हेयर इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। चलिए हम आपको बताएंगे।
30 days has September, April, June and November. सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में 30 दिन होते हैं. सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर हैज 30 डेज. सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर 30 डेज. दोबारा देखिए, सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर हैज 30 डेज. सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, इन चारों महीनों में कितने दिन होंगे? 30 दिन यानी 30 डेज. इसके अलावा बाकी बचे यानी कि हमारे सितंबर, सॉरी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इनमें हमारे 31 डेज होंगे. ओके, इसके अलावा एक महीना है हमारा फरवरी, जो साल का सबसे छोटा महीना होता है. कैसा होता है? सबसे छोटा महीना फरवरी में बच्चों 28 डेज होते हैं. केवल फरवरी ही ऐसा महीना है जो 28 दिन का होता है. हर चार साल के बाद फरवरी में 29 दिन यानी कि 29 डेज होंगे, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर. ओके, तो फरवरी में 28 डेज होंगे, केवल लीप ईयर में जब हमारा फरवरी आएगा तब उसमें 29 डेज होंगे. ओके, तो बच्चों सभी को समझ आया ना? अब आप जो भी आपको वर्कशीट का वर्क दिया जाएगा, आप अपनी नोटबुक में उसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे. ओके, सभी को समझ आया ना? ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय. चलिए अब इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है. ओरल क्वेश्चंस देखिए बच्चों. हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो 7 डेज इन अ वन वीक. तो एक हफ्ते में 7 दिन होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डेज. क्वेश्चन नंबर 2, विच डेज ऑफ द वीक आर हॉलीडेज इन योर स्कूल? तो किस दिन आपके स्कूल की छुट्टी होती है? आपकी छुट्टी होती है संडे, तो इसका आंसर हो जाएगा संडे. थर्ड है आपका, इफ टुडे इज फ्राइडे व्हाट डे वाज इज इट यस्टरडे? अगर आज शुक्रवार है तो कल क्या दिन रहा होगा? अगर आज फ्राइडे है तो कल क्या दिन रहा होगा? थर्सडे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? साल का पहला दिन कौन सा होता है? और विच इज द लास्ट, साल का आखिरी दिन कौन सा होता है? तो द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी. कौन सा होगा? जनवरी. विच इज द लास्ट मंथ, आखिरी महीना. लास्ट मंथ होगा ईयर का दिसंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द शॉर्टेस्ट मंथ? सबसे छोटा महीना साल का अभी हमने रीड किया है फेब्रवरी. शॉर्टेस्ट मंथ फेब्रवरी. नेक्स्ट, टिक इफ ट्रू, अगर सही है तो उसको हमें टिक करना है. फर्स्ट है मंडे कम्स आफ्टर ट्यूजडे. मंडे कम्स आफ्टर ट्यूजडे, क्या बच्चों मंडे ट्यूजडे के बाद आता है? नो, तो इसको कट कर देंगे. 12 मंथ्स मेक अ ईयर, 12 महीने मिलकर एक साल बनाते हैं. राइट, नेक्स्ट, 12 मंथ हैव द सेम नंबर ऑफ डेज. अभी हमने पढ़ा है कि 4 महीनों में 30 दिन होंगे, बाकी महीनों में 31 दिन होंगे और फरवरी में 28 या 29. तो सभी महीनों में बराबर दिन नहीं है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है. नेक्स्ट, जून कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई. जून मई और जुलाई के बीच में आता है, तो मई, जून, जुलाई. ओके, ये राइट है. ओके स्टूडेंट्स,